नमस्कार, आप देख रहे हैं रियल एक्सप्रेस। देश दुनिया की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं खुशी, आज के मुख्य समाचारों में बात करेंगे, लेकिन मुख्य समाचार की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। यूपी बिहार को उमस भरी गर्मी से मिलेगी राहत, महाराष्ट्र में तेज बारिश का अलर्ट, दिल्ली में कैसा रहेगा मौसम। कर्नाटक सरकार को गिराने की हो रही कोशिश, कांग्रेस ने भाजपा जेडीएस पर लगाए गंभीर आरोप। कई राज्यों में कुदरत का कहर, केदारनाथ में 400 यात्री फंसे, हिमाचल में चौथे दिन मिले 5 शव। वायनाड में अब भी 180 लोग लापता, 160 अंग मिले, अज्ञात मृतकों को दफनाया जा रहा। कम हो जाएगी वक्फ बोर्ड की शक्तियां, नए अधिनियम में क्या क्या होंगे बदलाव। तो ये थी आज की सुर्खियां, अब चलते हैं बड़ी खबरों की ओर। देश में अधिकतर हिस्सों में इस वक्त मानसून अलर्ट मोड पर है, पहाड़ी इलाकों सहित कई राज्यों में बारिश से बुरा हाल है। राजस्थान, मध्य प्रदेश में भी भारी बारिश का दौर जारी है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि राज्य में पिछली कांग्रेस 3 जेडीएस कांग्रेस गठबंधन सरकार को भाजपा केंद्रीय नेतृत्व की साजिश के तहत पूरी तरह से विकृत कर दिया गया था। उत्तराखंड में केदार घाटी में आई आपदा के बाद बचाव और राहत कार्य में अब सेना भी जुट गई है। सेना ने गौरीकुंड सोनप्रयाग हाईवे पर फंसे 25 घायल बुजुर्ग और दिव्यांगों को ट्रॉली के जरिए से निकाला। केरल के वायनाड में भूस्खलन में मारे गए अज्ञात लोगों के शवों को जिला प्रशासन ने सामूहिक रूप से दफनाना शुरू कर दिया है। शवों को कई एम्बुलेंस से कब्रिस्तान तक लाया गया। वायनाड में भूस्खलन में 308 लोगों की जान जा चुकी है, बड़ी संख्या में लोग अब भी लापता हैं। वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को लेकर विवाद और वक्फ बोर्ड के अधिकारों को नियंत्रित करने की उठ रही मांग के बीच सरकार वक्फ अधिनियम के संशोधन की तैयारी में जुट गई है। बताया जा रहा है कि वक्फ अधिनियम में 40 प्रमुख संशोधनों के प्रस्ताव को गत दिवस कैबिनेट की बैठक में स्वीकृति दी जा चुकी है। कैसे लगे समाचार कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी कुछ खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए रियल एक्सप्रेस।